आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यारा सा ट्यूटोरियल इस सूटकेस को पैक करने का। ठीक है, हमारे पास काफी बड़े बड़े गिफ्ट आ जाते हैं जिनको हम विदाउट प्रेजेंटेशन विदाउट पैकिंग गिफ्ट दे देते हैं, बट बहुत ही ईजी है उनको भी पैक करना। सो आई रिकमेंड, आई प्रेफर, आप जब भी कोई बड़ा गिफ्ट भी देते हो ना तो उसको पैक करके आपको देना चाहिए। लाइक इसको ये काफ़ी बड़ा सा टेडी बियर है और इसको मैंने बहुत ही ईजी वे में पैक किया, कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर, बट थोड़ा सा टचअप करने के साथ ही हमारा गिफ्ट बहुत प्रीटी लगता है। सो आई रिकमेंड आप जब भी कोई भी गिफ्ट देती हूँ, छोटा बड़ा या जैसा भी कोई गिफ्ट देती हूँ, तो आप उसको थोड़ा सा पैक करके थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना के गिफ्ट करोगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा, आपका गिफ्ट स्पेशल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस सूटकेस को मैंने पैक किया है बेबी शूज पैकिंग के लिए, तो हमारे पास बहुत सारे सूटकेस आ जाते हैं जैसे ब्राइड के लिए वेडिंग में, या काफ़ी ओकेशन होते हैं या हम सूटकेस देते हैं या सूटकेस में काफ़ी सारा सामान डाल के देते हैं, तो काफ़ी ऐसे ओकेशन आ जाते हैं जहाँ हम सूटकेस भी किसी को गिफ्ट करते हैं या सामान डाल के गिफ्ट करते हैं, तो आई सजेस्ट आप उसको थोड़ा सा पैक करके दीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक छोटा सा ट्यूटोरियल कैसे आप सूटकेस को पैक कर सकते हो, काफ़ी ईजी वे है और बिल्कुल डिफिकल्ट वे नहीं है, तो आप भी इसी तरीके से आप अपना सूटकेस पैक कर सकते हो, अपने जो गिफ्ट है उसमें डाल सकते हो, उसको प्रेजेंटेबल बना के आगे गिफ्ट कर सकते हो, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए नेट टिश्यू या कोई भी दुपट्टा जो आपके पास पड़ा है, आपको लगता है आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसको आपने प्रॉपर मेजरमेंट जो आपके पास सूट केस है उसके अकॉर्डिंग कट कर लेना। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा कट करने में प्रॉपर साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद जैसा मैंने वीडियो में दिखाया आपने टाई कर लेना है, और टाई करने के बाद अभी हमें सेंटर के लिए एक बंच बनाना पड़ेगा। तो बंच के पास आपके पास जो भी छोटे छोटे पीसेज होते हैं टिश्यू के, नेट के, दुपट्टे के, आपने तीन चार लेयर बना के उसको बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के साथ पेस्ट कर लेना है, और आप ग्लू गन के साथ कर लेना है, किसी वायर या रिबन के साथ बिल्कुल एक फ़ैन बना लेना है, और उसके बाद आपके पास जो भी मटेरियल है आपने यूज़ कर लेना है। अभी जैसे मैं बेबी टूज़ो पैकिंग का मटेरियल पैकिंग कर रही हूँ तो प्रॉपर रिबन यूज़ कर रही हूँ, बट आपके पास कुछ सिमिलर रिबन लेसेस जो भी हैं पड़ी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको इस तरह क्रॉस बना के रिबन को आपने अपने जो हमने फैन बनाया हुआ है उसके ऊपर लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद हमने ये प्लास्टिक वाले रिबन्स आते हैं, इनमें एक्चुअली जब इनको हम यूज़ करते हैं तो इनकी काफ़ी वॉल्यूम आ जाती है और ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने उनको कट कर लेना है और सीजर के साथ इनमें थोड़ा सा कर्ल दे देने है। जब आप इस टाइप के रिबन्स में कर्ल डालते हो तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हमारा बंच बन जाता है, और हमारा बंच भी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बनता, और मोर ओवर क्योंकि हमारा सूट किस की पैकिंग है तो हमने कुछ इस तरह से बंच क्रिएट करना है, हमारा सूट किस भी जो बंच है काफ़ी बड़ा बड़ा लगे, हैवी बंच लगे, तो जिस इसी छोटे से ट्रिक के साथ हमारा बंच हैवी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमने सिर्फ एक फ्लावर यूज़ किया है, आप चाहो तो कुछ और फ्लावर स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हो, और कुछ लीव्स पड़े हैं आपके पास तो आप लीव्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और सो थोड़े से नेट और रिबन और एक आधे फ्लावर के साथ ही हमारा बंच बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें कोई पर्ल स्ट्रिंग या कोई भी आपके पास कुछ इस तरह का है लेसिस वगैरह तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और देखो हमारा बंच बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं इसको कट कर रही हूँ, जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था नेट का जो वेस्ट था उसको मैंने कट कर दिया है, और उसके बाद थोड़ा बहुत इसको फिनिशिंग के साथ कटिंग करने के बाद मैं एक फ्लावर सेंटर में क्रिएट कर दूंगी इस तरह का फ्लावर, और उसके ऊपर मैं लगा दूंगी ये बंच। ठीक है, बट ये बंच ऐसे नहीं टिकेगा, इसको लगाने के लिए मुझे ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ग्लू गन के साथ इसको पेस्ट कर दूंगी, काफ़ी सारी ग्लू गन लगेगी इसको पेस्ट करने में। ठीक है, और आपको एक आधा सेकेंड वेट करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद आपको लगता है जो कुछ नीचे एक्स्ट्रा है रिबन है बड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा रिबन भी हमारी सूट के साथ लग के हमारे बंच को ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी पैकिंग होगी। इस तरह से भी आप कोई भी पैकिंग कर सकते हो छोटी बड़ी, तो ये हमारा सूट केस बिल्कुल पैक हो चुका है। आप ही कुछ भी पैक करते हो गिफ्ट करते हो तो आई सजेस्ट आप उसको ज़रूर प्रेजेंटेबल बना के दीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।